खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। मेघदूत केरल में बरस रहे हैं। केरल में कल मॉनसून पहुंचा तो तटीय इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर बारिश शुरू हो गई है। करीब करीब पूरे केरल में मॉनसून पहुंच गया है और केरल में 24 घंटे में केरल तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा तक पहुंच जाएगा मॉनसून। और मॉनसून का हर अपडेट हम सबसे पहले आप तक लगातार पहुंचाएंगे और इसीलिए हम लेकर आए हैं मेघदूत आया और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, मॉनसून पहुंच चुका है केरल में और केरल के तटीय इलाकों में बारिश शुरू है, जारी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। कल दोपहर 2 बजे के बाद मॉनसून केरल के तटीय इलाकों से टकराया था और इस 3D ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉनसून आखिर कैसे, कहाँ, कब और किस तरीके से पहुँचने वाला है। केरल देखिए, केरल पूरे राज्य में मॉनसून अब नजर आ रहा है। कल दोपहर 2 बजे के बाद तटीय इलाकों से मॉनसून टकराया था। सबसे पहले आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था, वहां से हमने तस्वीरें भी दिखाई थी और लगातार केरल में तमाम जगहों पर बारिश की खबरें आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें, केरल में भी मॉनसून 7 से 8 दिन देरी से पहुंचा है। ये है केरल का हाल। और अब एक बार आपको बता देते हैं कि आज कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। हालांकि केरल में तो मॉनसून आ गया, लेकिन आज मौसम का हाल कैसा रहने वाला है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देते हैं। क्योंकि मौसम, बाकी दूसरे अलग अलग राज्यों की बात करें तो गर्मी प्रचंड है, लोगों का बुरा हाल है, तमाम जगहों पर लोग गर्मी से परेशान हैं। केरल में जरूर मॉनसून कल पहुंच गया है, लेकिन उस मॉनसून के को और आगे बढ़ना है, धीरे धीरे सभी जगहों पर पहुंचना है उस मॉनसून को। मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर कर्नाटक में बिजली और तूफान की संभावना जताई जा रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज मौसम उधर कुछ बदल सकता है। और देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली कड़क सकती है, आंधी आएगी और मौसम थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकता है, लेकिन मॉनसून को अभी वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। और देखिए, भारी बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है। केरल में बारिश हो रही है और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूर्वोत्तर तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, ये वो राज्य हैं, वो जगह हैं जहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और आज वहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। केरल में लगभग मॉनसून पहुँच चुका है, बारिश हो रही है, लेकिन भारी बारिश केरल में हो सकती है। पूर्वोत्तर तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, ये वो जगह हैं जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ने हल्की बारिश के साथ मॉनसून का स्वागत किया, जिससे वहां मौसम सुहाना हो गया है। और तिरुवनंतपुरम में हल्की तो राज्य के बाकी हिस्सों में तेज बारिश हुई है। और केरल से हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित दिखा रही हैं वहां का माहौल कैसा है, मौसम का हाल क्या है और मौसम जब बदला है उसके बाद लोग किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। गर्मी से अगर आप परेशान हैं, तो बस कुछ दिनों का इंतजार बाकी रह गया है, क्योंकि मॉनसून केरल पहुंच गया है। दोपहर 12 बजे से केरल के तटीय इलाकों त्रिशूर, एर्नाकुलम, मल्लापुरम और कोझिकोड में बारिश हो रही है। करीब करीब पूरे केरल में आज मॉनसून पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से साउथ वेस्ट मॉनसून का इंतजार कर रहा देश के लिए अब राहत की खबर, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून ने केरला में दस्तक दे दिया है। इस वक्त हम त्रिवेंद्रम में मौजूद है, जहां की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो सी कंडीशन इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफी रफ सी इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। वेव्स काफी ऊंची देखी जा रही है और इसी मॉनसून का मजा लेने के लिए लोग यहाँ पर बीच पर पहुंचे हुए हैं। जहां तक मॉनसून की बात करें तो अमूमन जो है मॉनसून हर साल 1 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते की देरी जो है वो इस मॉनसून में देखी गई है और यही कारण है कि 8 जून यानी आज जो है मॉनसून ने केरला में दस्तक दिया है। अब इस तरह के मौसम का पूरे उत्तर भारत को इंतजार है, ताकि मौसम जल्दी से खुशनुमा हो और गर्मी से कुछ राहत मिल पाए। केरल के तिरुवनंतपुरम से पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट।